बाबा। तो कीर्ति धरा पे जिसकी काया, अरे धरती पुत्र रहे मुलाया, पावन तज के गईले आपन देश जहाँ। गौर करेंगे मित्रों, आज जिला इटावा में, गांव सैफई में दो पुत्रों की प्राप्ति करने के बाद पिताजी सुघर सिंह माई मूर्ति देवी तीसरे के इंतजार में हैं। और जब तीसरे के इंतजार में तब ही इधर कौवाली के टुकड़ा लगल। यही गीत के लाइन बा, अरे दिखा दे, अरे दिखा दे, दिखा दे मदीना, और कैसी बस्ती है जहा दिन रात ए मौला तेरी रहमत बरसती है। क्यों क्यों गौलेस, अगर मर्जी हुई मालिक तो मदीना हम भी देखेंगे, रसूल अल्लाह के घर का करीना। लेकिन जस्ट यही से बगलिए इसे लेके आवा, कैसे पलट कर, अरे पलट कर रे, पलट कर, अरे पलट कर, देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते, हम भी रखते हैं। तमन्ना हम भी रखते हैं रे, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तुम अगर तुम अगर तुम हुस्न रखते हो तो जवानी हम भी रखते हैं, अगर तुम हुस्न रखते हो तो जवानी हम भी रखते हैं। आए बाबूजी, गौर करेंगे आप सब, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी का जब तीसरे पुत्र पे रूप में, पहला माननीय रतन सिंह यादव जी के बाद अभय राम यादव जी, अभय राम यादव जी के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म होता है, इनके बाद राजपाल सिंह यादव, और राजपाल सिंह यादव के बाद में तब जा करके हमारे शिवपाल सिंह चच्चा आए। और एक बात का याद रहे दोस्त, अभय राम यादव जी के सुपुत्र धर्मेंद्र यादव जो बदायूं से लगातार सांसद रहे हैं, ई 51 रुपए का पुरस्कार चरणों में पहले की आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रतीक्षा बा, नाम नहीं बताएं, अरे बाप रे, सम्मानित आप हमारे मामा जी ई बंटू यादव जी, कहूं से अगर कार्यक्रम के चक्कर केवल चल जाए बस, कहीं एक काम करा यार, एक चाहे जेका लड़ाई दे कि हमार भय नहीं आएगा। बहुत बहुत नमस्ते बपड़ाम बा, आशीर्वाद की चाबा, बस यही प्यार दुलार आप सबका बना रहे। गौर करेंगे आप, जब पैदा हुआ हुए हैं माननीय नेताजी, तब इन लोगों का दिल का एक विडंबना उत्पन्न होती है, कैसे अरे पैदा, अरे पैदा यदि कुल में हुआ है ये, पैदा कौन हुआ है यदुवंश में, ये कवि की कलम संकेत करती है। अरे पैदा, अरे पैदा यदि कुल में हुआ है यदुवंश का लाला है,
यदुवंश का लाला है रे, यदुवंश का लाला है। ताल पर ताल तर नहीं सके जिससे पड़ता पाला से। आज परमादरी सम्मानित सी आप आदरी आप विराह के बहुत अच्छे कलाकार मान सिंह यादव उर्फ मुरली भैया समस्त पुरुष से 201 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते प्रणाम्बा। इधर माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जब जन्म हो जाता है तमाम प्रकार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सोहर गवनई ओनई सब भाई बा। लेकिन धीरे धीरे जब 5-7 साल 8 साल की उम्र बीतत बना ये भैया, तब धीरे धीरे दिमाग काम करे शुरू भइल। आ जब दिमाग काम करत बा तब तक एक गुरु भेटाई गए जेहुने गुरु के नाम राजनीति के गुरु चौधरी चरण नथु राम जी। आ जब उनसे मुलाकात हो तब नजम के लाइन में कहे के पड़ल परम आदरणीय सम्मानित श्री आप हमारे मामा जी हम सब के हृदय के गार्जियन कलाकारों के मसीहा है आप। बड़ा प्यार दुलार मिला करता है आपके माध्यम से भी कई मंच हमने गाया है। डॉक्टर राजेश यादव जी एक बार जान ले धरती तो सिर्फ दुई ही भगवान है जेका हम लोग जानी थी। पहले भगवान तो परमात्मा, दूसरे भगवान डॉक्टर साहब जो पानी चढ़ाकर पैसा कमाते हैं। चरण में पहल गई आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रतीक्षा बा, गौर करेंगे आप। चिलाई टावा चिलाई टावा में एक सैफई परिवार रहो, चिलाई टावा में एक सैफई परिवार रहा। कौन? माननीय सुगर सिंह यादव और माई माई मूर्ति देवी जी के देखा प्यार कमन भाई धर। चिलाई टावा में सैफई परिवार रहा, सुगर सिंह मूर्ति देवी जी का प्यार रहा। पैदा तीसरे में हो गए मुलायम जी, पैदा तीसरे में हो गए मुलायम जी, धरती कीर्ति गाए दुनिया अति पावन जी। हाय 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 सुंदर सुशील चेहरा देखने में आला था, 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 राजनीति में उनका चेहरा तो निराला था। विराह के बहुत अच्छे कलाकार सुनील चौरसिया बहुत समय का पुरस्कार माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। जहां रहा खुश रहा आबाद रहा, देखने में सुंदर सुशील चेहरा आला था, राजनीतिक दौर में चरखा गांव निराला था। चरखा गांव देखा इधर नथू राम से मुलाकात भेंट हुई है। आज जब इधर भेंट वेट होगी तब साइकिल से चलत रहे माननीय आदरी हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी बाबू जी। आज समर भूमि में चाहे जो कोई भी पंजा मिलाने को आता डेराई लगा कहे कि यार बड़े बड़े पहलवान से कैसे लड़ा। लेकिन वाह वाह नथू राम यादव जी ऐलान कर देते हैं हम अभी जिंदा हैं, जितना दांव सीखे के मिली हम सिखाई, लेकिन नाम हमार डूबे के न चाहिए। आज जब इतना बतिया कहें तब एक लाइन तर्ज लग गई। कौन मास्टर साहब? यही तर्ज के लाइन बा। अरे खटिया के नीचे बैठल छोरा बा,
कितना सुंदर गीत के संकेत बा, बड़ी पुरान चीज बा। वास्तविकता है पुरान चीज में जितना दम होता है आज नईकिन में न मिली बाबूजी। नईकी तो नौ दिन के और पुरानकी सब दिन के। पुरान चीज में जैसे मान ला पुरान गुड़ बहन मिल जाए, बस इतना खा ले एक आध लीटर पानी पी जा। अब पुरान दारू आजकल के तनी के दारू, एक बार जान ला दवाई कितना खाई जा, घंटा दो घंटा में असर करे, लेकिन ये कैसी दवाई बस ससुर पता नहीं कि एक खोज करे से पीते मान पांच मिनट में असर कही जाइए झुमावे लगी। यही से बतावल गई पुरान गुड़ पुरान दाल पुरान दारू पुरान मेहरारू। नहीं नहीं सही बात यह एथस के देखा आप सब हसिया मत एथस की पुरान अगर मेहरारू मतलब दादी माई काकी नानी हरे ना रहा है तो आजकल के मेहरारू के कितना वो पता बा। अब देखिए आप पहले के मेहरारू रहे पूरा मोट मोट के मांग मांग में सिंदूर भरे, अब पूरा मांग भर के सिंदूर लगावे जो ने हमार सैया हमार सुहाग हमारे स्वामी की उम्र सब 150-200 साल हो जाए। लेकिन अब के मेहरारू हे बरवा इसे उठाई तनी से टीक के छोड़ दे ही जो ने जल्दी मर जाए दूसरे ठही जाए। अब तोहार मेहरारू कितना लगावा था भाई? हमारे ब्याह नहीं भा गौर करेंगे आप गौर करेंगे आप सब इधर काकी नानी माई हरन के निराला ही बात रहे बाबूजी, लेकिन तरस के कौन अंदाज बा। अरे खटिया के नीचे बैठल छोरावा, अरे खटिया के नीचे बैठल छोरावा, सासुतानी कारा नाया जोरावा। लेकिन गौर करेंगे आप सब, अरे चारों ओरी भइले तबसोरावा, चारों ओरी भइले तबसोरावा, बाबूजी मुलायम जब आए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जब कदम उठा है अब इधर रखे, तमाम ना जाने कितने कितने वीरों से रणदंगल में समर भूमि कराते हुए माननीय रत्तू राम जी उनको पट्टा बना दिए एकदम कि अब जा चाहे जाम रहे चाहे ना रहे, लेकिन समर भूमि में मुझे पता है कि केहू तोहरे पीठी में धूर ना लगा पाई। अंतरे में बताओल गेल परमादि सम्मान श्री आप राजा यादव ढोलबजवा से 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते भैया प्रणाम बा आशीर्वाद हम बच्चे कला में कामयाब रहे। अच्छा अच्छा सम्मानित आदरी आप हमारे नाना जी जिनके बदौलत आज हम ये मंच पर गा रहे हैं आपकी तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार चरणों में पहलगी। आदरी आप बबलू नाना जी की तरफ से बहुत समाया का पुरस्कार चरणों में पहलगी। पूरी पार्टी की तरफ से सलाम कबूल हो कहना पड़ा कैसे सम्मानित श्री आप जगदीश सिंह चौहान भैया तरफ से 21 रुपया पुरस्कार। नमस्ते भैया के कहना पड़ा धीरे उमर बीतल तैले पहलवानी, धीरे धीरे समय बीतल तैले पहलवानी, लेकिन कई बात धीरे धीरे समय बीतल तैले पहलवानी, करज समर में नेता के जवानी, करज समर जैसे लड़ाई का है सब की कोरावा, जैसे लड़ाई सब ये का है भाई छोटका लड़ी हमके, जैसे लड़ाई का है सब की कोरावा, बाबूजी मुलायम जब आए। परमादि सम्मानित से आप हमारे जीजा जी रोहित यादव मनसईता से बहुत से माया का पुरस्कार चरण कमल में पूरी पार्टी की तरफ से स्वागत अभिनंदन वंदन बा।
पहलवानी में निपुण हुए। अब देखा साइकिली पे नथू राम जी चलावत थे, पीछे मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेताजी बैठे हुए हैं। अकरे बात जब तनी के शरीरी में दम आए, जब थोड़ा सा दिखने लगे, स्वयं साइकिल को चलाने लगे और अपने गुरुजी को पीछे बिठा करके चारों ओर भ्रमण करना शुरू कर दिए। ऐसा प्यार दुलार रहा, ऐसा अंदाज रहा कि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव हमारे 1960 में राजनीतिक में कदम रख दिए। सम्मानित से आप राजा यादव मुकेश अंबानी सफारी वाले 21-15 रुपया बजा रही तुम 21 रुपया पुरस्कार माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। जा रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे, गौर करेंगे आप सब। अब जब राजनीतिक में कदम रखे हैं तब होत काबा मास्टर साहब एक लाइन हमारे कवि जी तर्ज लिखे। आप देखे माननीय मुलायम सिंह यादव जी 1960 में उनका कदम उठा है राजनीतिक में, और जब कदम उठा है तब बस 5-7 साल में होता क्या है। यह तरज की लाइन बा, संयमी ललबा ड्राइवर ता चलाई गाड़ी हो, संयमी ललबा ड्राइवर ता चलाई गाड़ी हो, गाड़ी पाउच के पियाई ता लड़ाई गाड़ी हो। भोजपुरी के सुपरस्टार गायक मान लिया जाए या कह दिया जाए हमारे प्रयागराज के सेकंड खेसारी लाल, बड़ा प्यार दुलार मिला करता है बड़े भाई जी की तरफ से। आदरी आप श्याम शंकर भोजपुरिया के नाम से प्रख्यात हैं, विख्यात हैं आप, आपके तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद रूपी पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा, पूरी पार्टी की तरफ से स्वागत अभिनंदन वंदन बा, आशीर्वाद की चाह बा, एक शोर से सभी सकल पंच के नमन बा। परम आदि सम्मानित श्री आप फेसबुक आईडी से बड़ा प्यार दुलार मिला करता है आदरी आप हमारे धारा यादव मामा जी, आपके तरफ से ही 101 रुपया पुरस्कार। नमस्ते प्रणाम भाई, एक बात का याद रहे दोस्त, जौने गांव में 4-6-10 किलोमीटर दूरी के बताओ तो एक गांव में अगर अपन बहन कही देवे तो पूरा गाँव बहन वही कहवाई। ओसन हम जौने जगह है इतनी समय बदरा में जरूर हमारे ननिया रहे, लेकिन चारों पूर्व मामा नाना लगा थे, प्यार दुलार है उस तरीके से आशीर्वाद मिलता है। लेकिन गौर करेंगे नेता मुलायम सिंह यादव जी जब 1960 में कदम रखे हैं तब 5-6 साल बीत गया है, 1967 में होत काबा। हे खूबसूरत पे सुंदर चेहरा पे तिलक लगाए नेताजी, सुंदर चेहरा पे तिलक लगाए नेताजी, 7 साल में विधायक बन के आए नेताजी। सुंदर चेहरा पे तिलक लगाए नेताजी, जब लगा 1967 में पहली बार वो विधायक बन के आए बाबूजी। याद रहे दोस्त, राजनीतिक में कदम रख के 1960 में 1967 में लग गया तिलक, विजेता घोषित हो गए। जब तिलक लगा तो 1967 में यहीं से कवि जी ने संकेत दिया कि सुंदर चेहरा पे तिलक लगाए नेताजी, 7 साल में विधायक बन के आए नेताजी। आप देखा ये कुर्सी मिल गई, कुर्सी मिल गई, इसके बाद होता क्या है। आठ बार विधायक लहे लगातार जी, आदरणीय हमारे कमेटी के सभी शुभ चिंतकों से एक बात का
आग्रह है, अनुरोध है, आदरणीय आप अगली पार्टी को आप सब कम से कम चाहिए दे दबाए। कलाकार के यह एक ही आहार है, यही से नटई उटई गटई उटई जेकर काटे सब साफ हो जाता। तनी से दो मिनट के लिए बाकी जवन अंदर की एनर्जी है वो कई चाय वो पाई ना, अंग्रेज चले गए लेकिन चाय छोड़ के गए। आइए मास्टर साहब, 1967 में पहली बार विधायक बने और लगातार 8 बार विधायक रहे बाबूजी, 8 बार विधायक रहे लगातार जी। एक बात पैसा ला परमादित सम्मान से आप आशा की ज्योति जला करके उम्मीद को सजा करके ये कार्यक्रम करवाने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हुए आदरी हमारे हृदय के गार्जियन हम सबके अग्रज हमारे मामा जी महेंद्र यादव जी, 201 रुपया का पुरस्कार चरणों में पहले आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रतीक्षा अंतरे में कहे के पड़ल। आठ बार विधायक लहे लगातार जी, सांसद बनी गए सुना सुना 7 बार जी, अपना प्यारा है छवि तब बनाए नेताजी, अपना प्यारा है छवि तब बनाए नेताजी, 7 साल में बिठाया तुमके आए नेताजी, से 1996 तक लगातार 8 बार सांसद हुए और 7 बार सांसद और 8 बार विधायक हुए। 1996 में फिर एक पद उनका बदल जाता है, और जब उनका पद बदल गए यहीं से टेरी के अंदाज बताओ कि प्रयागराज खाटी लाइन से टेरी बदल गया। आए आए क्या बात है, पूर्वज चले गए यादें छोड़ गए, दादा राम कैलाश की अदायगी हमारे अलग रहे। बड़ा मठार के गांव है, कहां सुने वाले मित्र दुल्हिन ऐठा तबा पेरत बा, जैसे खूटा में चारा के बदे भैंस पेरत बा, वैसे कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के याद में पेरत बा। बाबूजी हमारे गांव में कैसे गांव में टेरी के अंदाज में समय बहुत कम बा, टेरिया के तनी गौर से सुनिए आप सब बात। ये कवि जी ना तो किसी का नाम ना तो किसी का पद, लेकिन हलक बंद में टेरी को लिख दिए कैसे, अरे आई आई सजाई कर से कैसी रचना, धरती धरा दिखाए ये धरती धरा दिखाए धरती धरा दिखाए धरती धरा दिखाए काया कैसे आई सजाई कर से कैसी रचना, हम सोचे तनी गुरुजी वाली करताल बजाई दी इतनी बड़ी बा कि बार बार लड़त बा, बतावा कहां से लई जाइए कहां देखा था अब हमरे गुरुजी हरन हम ही पर पहले बताए ना कि बिरहा जगत में बिरहा को एक नया संदेश एक नया निर्देश देने वाले आदरी आप विजय लाल यादव गुरुजी देख ला करताल
चमकत बा चाहे जिस बजावा। अभी हमारे बाबू हरन पता नहीं कैसे बजावत रहा हुई ही उतान हो के तनिको न चौग न पर है, लेकिन मोटकऊ केकर नाम रान मोटकऊ दद्दा राम आधार के हमरे ई नाम इन से गाँव पूरा करैल तक के सुनाए। लेकिन अब केहू के बस के धरती धरा दिखाए काया कैसे आई सजाई कर से कैसी रचना। आज उस मालिक को बता दिए कि कैसी रचना रच करके माननीय नेताजी को इस धरती पर भेजे बाबूजी। 1996 में उनकर देखा पद का बतलत बा 1996 से पहले 1977 में सहकारिता मंत्री रहे पशुपालन से। माननीय कौन माननीय नेता मुलायम सिंह यादव इतना पद बा गिनत गिनत दिल उबे लागी। लेकिन पद हम सब बतावत बतावत थक जाब। 1977 में सहकारिता मंत्री रहे और 1996 में ये रक्षा मंत्री बन गए। आज जब रक्षा मंत्री बन गए तब उस समय की बात अभी आप लोगों ने सुना। आदरणीय हमारे बिरहा के जबरदस्त कलाकार बिरहा के सम्राट श्री आप विजय लाल यादव गुरुजी आपने एक बात बहुत अच्छी कही। उस समय जब चीन में सही बात है चीन की और हिंदुस्तान में जब वो भाषण दे रहे थे तब उतनी समय जब मंचवा से नीचे उतरे तब उन्होंने ये बात तो सही कहा कि तुम लोग क्या दल दबा के बैठे हो। अरे पारी घुसपैठी अगर चढ़ाई कर रहे हैं एक कदम होकी से आओ तो तीन कदम हेकी से जा। जब तीन कदम हेकी से बताए तब भारत के देश के नौजवानों से एक आवाज निकलती है पलट करके घूम गए हैं और एक ऐलान करते हैं कि अरे आंख ना दिखा हमको हम वो है जो आंखें निकाल लेते हैं। आंख ना दिखा हमको हम वो है जो आंखें निकाल लेते हैं। भारत माँ के असली बेटे हैं जो गद्दारों की खाल उतार लेते हैं हमारे भारत भूमि के लोगों के लिए। तब हमारे भारत भूमि के सरजमी के लोगों ने कहा अरे बहुत बह चुकी है मानसून हवाएं बहुत बह चुकी है मानसून हवाएं अब तो भयंकर आंधी और तूफान चाहिए जो देश के लिए अपना खून बहाए देश को ऐसा ही देशभक्त जवान चाहिए। आज रक्षा मंत्री जी जब वहां पर खड़े हुए तब ऐलान कर देते हैं। जब ऐलान कर दे तब यहां एक तर्ज लग गया मास्टर साहब सम्मानित साहब संजय यादव। अच्छा ये 101 रुपया पुरस्कार चरणों में पहले की आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रतीक्षा भ माननीय आप मुलायम यादव जी आपकी तरफ से 51 रुपया पुरस्कार नमस्ते प्रणाम भा आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रतीक्षा भा। बस 5 मिनट की भी रहा भा कहना अरे बारी उमर कमर लचकनिया मेहरारू जाई के इनारा पे पानी भरत बा मर्द दूरी से देखा तो बा जब वो पानी हिंचत बा तब इशारा देत बका पारी उमर कमर लचकनिया पारी उमर कमर लचकनिया कोरिया ही चई निहुरी के पनिया कोई के झूलई झूलनिया ना लेकिन यहां पर नेताजी आदेश करते हैं क्या कैले नेताजी अब जब ऐलान कर दिया कि जब कोई चीनी या पाकिस्तानी पैरी तुम परवार करे सहन करने की कोई बात नहीं है। ई हमारे आदरी आप हमारे इलाहाबाद जनपद के सेकंड खेसारी लाल हम कहते ना हमार परिवार भाई हैं बड़का भैया हमारे श्याम शंकर भोजपुरिया 51 रुपया का पुरस्कार ही हमारे हारमोनियम मास्टर और ढोलक मास्टर के 20 रुपया मिला लिया 70 हो जाए काम हो जाए। अच्छा तोहार जरा इशारा दरुए पे जात है हम ये नहीं समझ पाते कि ये बार बार में टुकुर टुकुर बोला था तू पढ़ा कितना यहाँ 40 तक। अच्छा 40 तक कैसे पढ़ा है चार जने मिल के 10 पास की है मार्कशीट इनके नाम आई
का इनका छोड़ दे रहे, गौर करेंगे आप सब। माननीय नेताजी ऐलान क्या करते हैं, सबके नेताजी कैले आए लनावा, सबके नेताजी आए लनावा, सुन के कर जे है जमनवा, में ओली तूफान माना। नेताजी जब ऐलान किए, हमारे भारत भूमि के जवानों ने कहा किए, कभी ने कह दिया कि सबके नेताजी कैले ऐलानवा, सुने जब गरजे जवनवा, आप तो मची तूफानवाना। अब आओ थोड़ा सा छेड़ कर दिखाओ, अरे किसकी मजाल जो छेड़ दे दिलेर को। कवि की कलम संकेत करती है कैसे अंतरे में, तड़ी सुनामी तारी मारी के लाला में दे भाई पवारी, हुए तोरे से हम भाई, जीनी साले समझ समझारी, नदिया बाही खून के मैं तनवा, नदिया बाही खून के मैं तनवा, सुन के करते है तनवा, माची सुन के तू अब आकर के छेल कर देख लेना, यहां से नदियों खूनों की नदियों का धार बह जाएगा। लेकिन बारे रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव वहां पर एक बात का ऐलान और कर दिया, जब चले लगे तब भाई कहन हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के सिपाही रात भर खड़े होकर के पहरा देते हैं, तब हम सब चैन की नींद सोया करते हैं। और हमारे देश के उन नौजवानों के लिए अगर कोई विपत्ति आई, सबसे पहले मुलायम सिंह यादव खड़ा होगा। मुलायम सिंह यादव जी जब इतना बात का ऐलान करें तब बताए, धीरे धीरे बतिया तो होबे करी भाई, जब उन्हें पता चला कि यहां पर कोई भी हमारे भारत भूमि के वीर सपूत जब शहीद हो जाता है तो उसकी पार्थिव शरीर नहीं बल्कि उसकी कैप टोपी और वर्दी चली जाती है, इशारा घर वालों को मिल जाता है कि हमारा लाल, मेरा सुहाग, मेरे कलाई की ताकत, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वाह, नेताजी उस समय ऐलान कर दिए और उसी समय सब कुछ बया कर दिए, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत का कोई भी जवान अगर शहीद होता है सीमा पे तो बाइज्जत के साथ पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर उस जिले के डीएम एसडीएम एसपी वगैरह सब बड़े सम्मान के साथ ले जाएंगे, घर तक पहुंचाएंगे। और साथ में पहले ने हम बताए 10 लाख मुआवजा के तौर पे 10 लाख रुपया भी देने का कार्य किए कोई तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी। हर जगह पर हमारे यही परिवार हो जाया करता है, हमारी माताएं हमारे बहनें घर पर तड़पती रहती हैं। वाह, माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी 102 नंबर डायल करा तो एम्बुलेंस पहुंची आवे घर। लेकिन अब के जो नेता है वो नाम बदलता है, खूंटा बदले से भैंस ज्यादा दूध ना दे दे। सही बात है, खूंटा बदले से भैंस ज्यादा दूध ना दे, वही हाल बा, लड़का पैदा करे दूसर के नाम रख दे तो उनकर हो जाए। 102 नंबर एम्बुलेंस निकलवाए कौन, माननीय नेताजी अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव के सौजन्य से। लेकिन एक बाद जवन अब 112 कह दे, सौ नंबर रहा तब 112 कह देहन, इनकर लोग के कुरीदी थी है। बतावा कौनो भी मार दंगा होत रहा, फैसला पंचायत के जमाने नहीं बा, फोन करा 112 नंबर, 5 मिनट में आपके दुआरे फोर्स आवती है। अगर इस सब के प्रस्तावना को करने वाले
कोई नेता रहे तो आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी 2003 में 1998 में भी वो प्रयुक्त संयुक्त के सदस्य चुने गए थे और 2003 में तीन बार वो मुख्यमंत्री का भी पद संभाले हैं बाबूजी। 2003 में जब फिर मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे माननीय आदरणीय आप मुलायम सिंह यादव जी, तब होत का बाबा बाबूजी प्रयागराज घाटी तेरी है, प्रयागराज घाटी लाइन है, क्या बात है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे कहना पड़ा क्या। अरे देखी दशा सोच अपने मन वाला नवा पीछे में, अरे देखी दशा तब सोच अपने मन वाला नवा पीछे में, नेता मुलायम पहले तक आलन वाला नवा पीछे में। अरे खींच देगा पापी कोई हाथों से लकी, पाई इज्जत के साथ जाए सही दिन के सारी, पाई इज्जत इज्जत के साथ तिरंगे में लपेट कर हमारे भारत देश के उन शहीदों की पार्थिव शरीर उनके घर पे जाना चाहिए। सोच जी सोच करते सब नमन वाला नवा पीछे में, नेता मुलायम कही दिया ले आयला नवाजा नवा पीछे में। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ऐलान करके चले जाते हैं बाबूजी, सोचिए आप फिर मुख्यमंत्री का पद 2003 में पाए, वो भी निभाते चले गए 2007 तक और 2015 तक संयुक्त प्रयोजन से सदस्य चुने गए। 2019 से उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ होती चली गई बाबूजी, समैया बड़ी कम्बा। जब समय एक बात जान ले आप, जब समय विपरीत हो जाता है तो कुछ भी नहीं चलता बाबूजी। आज अवस्था जब धीरे धीरे जाना तो सबको है, कहा गया है कि बड़े बड़े पंडित पुराण पढ़ने वाले गए, ज्योतिषी भी ज्योतिष विचार कर चले गए, वाल्मीकि नारद वाल्मीकि नारद वशिष्ठ मुनि ज्ञानी गए, हनुमान लंका उजार कर चले गए, रामचंद्र सीता समेत चारों भाई गए, कहां कभी भोजराज जो जग में आए हो कर पसार कर चले गए। अजन्मा यगोचर चराचर के स्वामी, अजरबा जोकर चगर चर के स्वामी, निरंकार ओमकार जाने जमाना, आदि अनादि अजर और अमर है, अपरमित निरूपम सनातन है माना, यही से जे आई बा ओके जाप जरूरी बा। इस धरती पर कुछ सत्य है नहीं, जो भी सत्य है उसका नाम है मृत्यु, बाकी तो दुनिया स्वार्थ से लगी है। फलाने मरियन जाए के दुआरे पंचायत करता है, यार जाने भाई बिटिया बिया फाने रहे, फलाने ऐसा आदमी रहे 50,000 रुपया दई के स्वार्थ से लगा है ना अपने, 50,000 दे रहे दुआरे चला आइया है, ये स्वार्थ है अपना, बाकी आए अकेले हो जाओगे भी अकेले। नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, अरे इस जब सृष्टि के रचयिता नहीं रहे तो हम सब किस परिंदे के पर हैं। जब समय बीतता गया 2022 का भी समय आता है, माननीय अखिलेश यादव जी जब इस बार चुनाव हारे थे जब गए तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी आशीष दिया और बेटे की बेटा अखिलेश तुमने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, आशीर्वाद के तौर पे ये बताया कि चुनाव तुमने बहुत अच्छा लड़ा, हार जीत अपने दर की बात है लेकिन जो लड़े लड़ाई आपने बहुत अच्छी लड़ी, ये सराहनीय के काबिल है। यही से जब 2022 का ये 10 अक्टूबर का दिन आता है तब भाई आल्हा की लाइन में कहे के पड़ल, आए हाय आहा हो सब ही के दिल के धड़कन
सबाही के दिल के धड़कन धड़क बंद कैले जहिया धीरे धीरे जान गईले सारा संसार जी का धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगा। आज मानी आदि आप सम्मानित 9 तारीख को कार्यक्रम था जंग बहादुर पहलवान जी के यहाँ नीबी कला के चौराहे पर, वहां पर ऐलान हुआ सम्मानित आप ज्ञानी यादव जी के साथ कार्यक्रम 15 तारीख को। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ठीक रहेंगे तब, लेकिन दूसरे दिन वहां सबाही के नेता जी के भैले जब मरनवा बाबू जना जन के पीला जाब तू खद समाचार दिलावा हाथ दे के रो वही सब चले बाबू साथ साथ रो वही तू ना सारा परिवार गुरु ग्राम में दाता से गुरु ग्राम में दाता से लचिया लई के चल ले जैया पहुंचे है जब जैया सुना से भाई माझा आए बाबू को ऐसा काला दिन 10 अक्टूबर को जब ये दुखदाई खबर हम सबको सुनने को मिला कि आज हम सबके मसीहा मन मुलायम सिया दुनिया में नहीं रह दो, आज हम सब लोगों का कलेजा रो दिया। उस दिन कार्यक्रम से करके जरूर आए हम लोग, आंखें जिसकी छप नहीं पा रही थी उन आंखों से फल 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 करके आंसू की थारे बह रही है। चौराहे पर हमने आया, हमने सोचा कि थोड़ा देखेंगे कि हमारे मामा जी लोग को पता चला कि नहीं, लेकिन देखे तो बैठ करके सभी लोग शोक समितन में डूबे हुए हैं। सोचिए हम सब तो उनके चहेते हैं यार, लेकिन उनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीतती होगी। उस समय मंडी रामराज यादव जी के सुपुत्र धर्मेंद्र यादव जो बदायूं से लगातार सांसद रहे हैं, वो एम्बुलेंस के आगे सीट पर बैठे, मीडिया बार बार सटा रही है, क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे, क्या बीत रही है आप पर। अरे उस समय धर्मेंद्र यादव कहता है मुझसे बात मत कीजिए, मेरे मुख से आवाज नहीं निकल रही है। अरे आज जिसके घर का एक मुखिया इस दुनिया को छोड़कर चला जाए दोस्त, सोचिए कैसे उसके दिल पर क्या बीतती होगी। आज माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी का दाह संस्कार दूसरे दिन 4 बजे सैफई की धरती पर होता है। लास्ट में खड़ी के भाव में कहना पड़ा दादा पंधारी वाली लाइन में, विराज जगत के बहुत अच्छे कलाकार सम्मानित से आप हमारे मुकेश यदुवंशी जी की तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार, और ये विराज जगत के शुभचिंतक रामनिधि भैया, विराज सम्राट ओम प्रकाश यादव बक्सर बिहार वाले के बड़े अजीज हैं आप, 51 रुपये का पुरस्कार, सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ हार, चेहरों में फैल गई आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रतीक्षा बा, दिल रो दिया बाबू जी उस दिन। परम आदि सम्मानित से आप बाबा स्वीट हाउस सब्जी मंडी 51 रुपया पुरस्कार, नमस्ते प्रणाम बा, दादा पंधारी के लाइन में कहे के पड़े लास्ट लाइन है एकदम। हाँ
हमारे हृदय के गार्जियन, हम कलाकारों को दिशा निर्देश देने वाले मामा जी, या मोछा वाले मामा हमरे, बाबा सीताराम ट्रैक्टर वाले, ये क्या रुपया का पुरस्कार? अच्छा राजकुमार यादव है, लेकिन यही नाम से फेमस है आप। अच्छा राजकुमार उर्फ सीताराम, 51 रुपया में कहा, पन्ना नाम बताओ मामा। नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद किया का? अरे बाप रे, नहीं क्या बात है, बस यही प्यार दुलार बना रहा है। एक सौ से सभी सकल पंच के नंबर पर बंधारी दादा के लाइन में कहे कर। का यारे बना मिली ए भाई आया बना मिली ए पंचवा बना मिली नेनुआ गमर कारिया बना मिली। दादा पंधारी के लाइन रही ओरिजिनल, लेकिन एक काटेस के दादा राम आधार कहे ने पंधारी। अरे यार नेनुआ तो 4-6-10 किलो चला दिया ही दी, 10-20 रुपया किलो बिकती, लेकिन का ना मिली। अरे अब ना मिली ए भैया अब ना मिली ए बाबू अब ना मिली देश गिये कई सोने अब ना मिली। फिर कलाकारों ने गाया कि है नौकरी सरकारी अब न मिली, खेत सींचे वाली नारी अब न मिली, पतिवर्ता नारी अब न मिली। अरे यार क्या वास्तव में नहीं मिलेगा? बुढ़वन के कुंवारी अब न मिली। का कहे? बुढ़वन के कुंवारी अब न मिली। ये नकर अलग ही रहा था। आ सही बात ये, अच्छा बताओ जे बुढ़ाई के दाढ़ी बार पक गए का कुंवारी मिली, लेकिन गौर करेंगे क्या वास्तव में नहीं मिलेगा? लाख रुपए की बात कबीर ने लिखा है, मुझे कोई रुपए पैसे की लालच नहीं है। अगर बात आप लोगों को अच्छी लगे तो बस ताली बजा करके स्वागत करेंगे, अगर मेरी बात अच्छी लगी तो कौन, सब कुछ मिल जाएगा, बस रुपया खर्च कीजिए, इसमें प्राण तक दे देंगे नहीं मिलेगा क्या? कहा यारे अब ना मिली ए पंचो अब ना मिली ए भैया अब ना मिली तजे कर मरी गई महातारी अब ना मिली है। यदुवंश का एक नया शेर, सम्मानित श्री आप आदली विराह के अच्छे कलाकार, शुरुआती दौर है एकदम हमर इनकी नहीं, हम शुरू यही हम शुरुआत करते ही हम आप लोग से मांगत ये हमसे छीनत हैं। आदली आप मुकेश यदुवंशी जी, बरातर की ऐतिहासिक पवन सरजमी से सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ हार और 501 रुपये का पुरस्कार, इस कलाकार के लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माई भगवती करें हर मोड़ पर तरक्की मिले, जहाँ रहा खुश रहा आबाद रहा, माई बाप घर परिवार देश जिला जवार सबके नाम रोशन करा, प्राण तक दे देंगे आप, लेकिन एक माँ बाप घर का कोई भी सदस्य अगर गया कोई भी इस दुनिया को अगर तज दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। यही हमारे विराह का लास्ट संदेह रहा कि अब कोई दूसरा मुलायम सिंह यादव नेता कहने वाला नहीं होगा, कि हम सब कुछ सच्चाई एवं सच्चे राह पर दे करके अपने आप को झुलसती हुई आग में डुबो दे, यही हमारे विवाह का लास्ट संदेह रहा। अरे दुख में बरसाई ए भैया दुख में बरसाई ए बाबू दुख में बरसा तसुना सबाही के नया नवा दुख में बरसा तो भुलू राम आधार है दर गुरुवर राजा राम। अरे बिमल कवि चाद बाबा साथे, अरे चले गए राधे श्याम हो।
सजाई कर सके ये ये ये। अरे सजाई कर सके ओ सजाई कर से कैसी रचना कावई सूरज यादव रक्षक शारद माई कराई कर से कैसी रचना हेलो हेलो बड़ी सुंदर गीत की लाइन में दिखाई हिंदी गीत में तंबा दिल लगी ने दी हवा दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल हेलो 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 भैया भैया जब हवा चला एक मिनट एक लाइन में लाखों की बात हम इलाहाबाद की सरजमी है हम माने अहंकार अहंकार मतलब घमंड किसको हुआ कि लोग विजय दशकंदर राजा रावण को एक मिनट दशकंदर को जब घमंड हुआ इधर जब दशकंदर के घमंड रूपी हवा चला तब राम का भक्ति रूपी धुआं उठा के रहन भक्ति में भीषण जब इधर भक्ति रूपी धुआं उठा तब होत का कहानी में गौर करेंगे आप हम का जब हवा चला राम का धुआं उठा लंका सारी चल गई पर न जली झोपड़ी पर न जली झोपड़ी प्रभु राम में बदल गई पर न जली झोपड़ी राम इधर जब रावण का लंका जला था साथियों एक बात याद रहे रावण का लंका घमंड रूपी जल गया था लेकिन पूरे लंका में सोने के लंका के बीच में एक कुसा के झोपड़ी रही जो राम रूपी भक्ति में रही विभीषण के पूरा लंका जली गया लेकिन वो विभीषण की झोपड़ी नहीं जली थी जी। दीवाना दिल हुआ दीवाना दीवाना परमादरी सम्मानित से आप राकेश कुमार यादव भाव पर प्रसन्न होकर सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ हार 251 रुपया का पुरस्कार दयाम राम यादव पाके बहुत बहुत नमस्ते कलुआपुर से राकेश कुमार यादव कल्याण सैन के पूरन ददोली नहर से बहुत बहुत नमस्ते बपड़ाम आशीर्वाद की चाहवा भैया अवधेश कुमार यादव कमला नगर से 21 रुपया पुरस्कार नमस्ते भैया के दीवाना दिल हुआ दीवाना दीवाना चल जब झूम के अखियों से चुम के छाने लगा नशा
से चुमके चले लगा नशा, दीवाना दिल हुआ दीवाना दीवाना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद की चाहत लीजिए आप सब अच्छे हमारे मन खुशी वाले यादव जी। बहुत